चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान करते ही रणभेरी बज गई है। चुनाव मैदान सज चुका है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य दल, सभी ने अपने अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है। अगले 2 महीने में पूरा देश चुनावी रंग में रंगा नजर आएगा। पार्टी के उम्मीदवार हर दांव पेच आजमाते नजर आएंगे। आइए आज जानते हैं कि इस बार कौन से मुद्दे हावी होंगे और जनता जनार्दन किन मुद्दों पर किस पार्टी को वोट करेंगे। मैं सोचती हूँ कि हम अभी देख रहे हैं जैसे कि स्टार्टअप्स कंपनी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मैं देखूंगी कि ये कि अभी स्टार्टअप कंपनी के लिए क्या क्या प्रोग्राम जो है वो सरकार लेके आ रही है, जिससे हम साथ ही साथ जो पुरुष है उनको भी फायदा हो और महिलाओं को भी फायदा हो। तो मैं स्टार्टअप कंपनी को बेस रखते हुए अपना वोट देना चाहूँगी। और मैं आगे जाकर जो वोट करूंगा, मेरी जो नीति होगी वो ये होगी कि इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंडिविजुअल की क्या होती है कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से वो इलेक्ट होकर आएंगे, मेरी जो पहली प्रायोरिटी रहेगी वो ये रहेगी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी होगी, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो काफ़ी कम होती जा रही हैं, या जो भी पिछली वैकेंसीज़ हैं वो अभी आ नहीं रही हैं। तो मेरा सबसे पहला मुद्दा तो वोट करने का यही रहेगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जितनी ज़्यादा आ पाए हम युवा पीढ़ी के लिए वो काफ़ी बेटर होगा। मेरे पास बहुत विकास हो रहा है, लेकिन विकास होने के बाद में साफ सफाई बिल्कुल कम होती है। तो जहाँ साफ सफाई को ज़्यादा प्रचार किया जाएगा और जो हम जानवरों को देखते हैं जो रास्ते पर बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं जिसकी वजह से इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ों को जो पार्टी ज़्यादा फोकस करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को संभालेगी एंड इन चीज़ों को प्रिवेंट करेगी और सफाई करेगी। तो मुझे लगता है कि महंगाई दर, हम फीमेल्स बहुत कंसर्न रहती हैं, तो चीज़ें हमारे लिए ऐसी हो जाए जहाँ पे हमें लगे कि सरकार जो विकसित दिशा में जा रही है वहाँ पे हमको फ़ायदा मिल रहा है, थोड़ी हमारी सेविंग्स भी बूस्ट हो, साथ में थोड़ी महंगाई भी कम हो। सेकेंडली, हम सिक्योरिटी पे बात करना चाहते हैं। आज तो इतना अच्छा तो देश में हालात हो गए हैं कि हम चाहे तो कहीं भी ट्रैवल करें, कहीं भी अकेले चले जाए, सुरक्षा मिल रही है। आगे भी हमारे बच्चों के लिए ये सुरक्षा स्कूल एजुकेशन में भी बच्चों को मुहैया कराई जाए। अच्छी सरकार लाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि विकास करने वाली सरकार हो। जब तक विकास नहीं होगा हम न वर्तमान अच्छा कर सकते हैं न भविष्य अच्छा कर सकते हैं, तो हमको विकास करने की आवश्यकता है। मेरा तो मूल मंत्र यही है कि विकास जो है वो इम्पोर्टेंट है। धर्म और ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन हम जो है विकसित भारत को ही चाहते हैं, विकासशील भारत को चाहते हैं, क्योंकि हम तो जो जैसा रहा हम रहे, लेकिन आगे जो है हमारी पीढ़ी अच्छी रहे यही हम चाहते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि भारत को विश्व गुरु बनाने की क्षमता जिस लीडर में हो, बिना किसी पार्टी का नाम लेते हुए मैं ये बोलना चाहूँगा कि उसको हम अपना अगर वोट दें तो शायद हम सबका भविष्य जो है वो उज्जवल होगा। और ये बहुत क्लियर है पिछले 5-10 सालों के जो हमारी ग्रोथ है उसको देखते हुए कि किस व्यक्ति में ये क्षमता है भारत को विश्व गुरु बनाने की। तो मैं अपना वोट तो उसी पार्टी को देना चाहूँगा और ये चाहूँगा कि लोग भी इस चीज़ को समझें कि हम किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे करते हुए अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जो मुद्दा है कि हमको वोट किस बेसिस पे हमको देना चाहिए, तो हमारे पास राष्ट्रीय पार्टी बहुत सारे हैं, लेकिन हमको जो है शिक्षा, स्वास्थ्य एवं हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें जहां से विकास हो रहा है, जिस पार्टी का विकास हो रहा है, जिस पार्टी के द्वारा विकास हो रहा है, उसको देखते हुए हमको वोट कास्ट करना चाहिए। दुर्ग जिले के मतदाताओं की मनःस्थिति और जनता के मुद्दों को जानने आज दूरदर्शन समाचार ने शिक्षाविद, महिलाओं, युवाओं और आम जनता से प्रतिक्रिया ली।